नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोला मेडटेक में। जो आज आपको समझाने जा रहा हूँ टेंडर मास्टर सिलेंडर्स के बारे में। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन वॉच माई वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो। आई हैव पब्लिश दैट वीडियो इन द प्रीवियस संडे, यू कैन प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अगर इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो प्लीज मेरे एक बार मास्टर सिलेंडर वाली वीडियो को भी देख लीजिए, उससे आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो अब शुरू करते हैं मास्टर सिलेंडर के बारे में। ये जो टेंडर मास्टर सिलेंडर मैंने बनाया है, ये एक टू पोर्ट टेंडर मास्टर सिलेंडर है, बट यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो होता है फोर पोर्ट टेंडर मास्टर सिलेंडर। इन गाड़ी में अगर हम यूज करते हैं तो फोर पोर्ट टेंडर मास्टर सिलेंडर यूज करते हैं। तो जो फोर पोर्ट टेंडर मास्टर सिलेंडर है उसमें इतना ही एक और पार्ट इसमें आ जाता है, बिल्कुल सिमिलर दूसरा पार्ट भी होता है। तो वो जो पार्ट होता है वो मैंने बनाया नहीं ताकि इसको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो आप बात करते हैं इसे कुछ कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रेक पैडल है, उसके बाद यहाँ से जो पुश रॉड जा रही है जो हमारे मैकेनिकल फोर्स को अंदर तक ट्रैवल करवाएगी, उसके बाद ये जो केसिंग बनाई हुई है मैंने, उसके बाद ये ब्रेक फ्लूड कंटेनर जिसके अंदर हमारा ब्रेक फ्लूड है, और ये ब्रेक फ्लूड इधर से अंदर आया था इस ब्रेक पोर्ट्स के थ्रू, और यहाँ पे हमारा फ्लूड है। उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं ये जो मैंने बनाई है पिस्टन्स है, उसके बाद ये जो पुश रॉड है ये एक इंटरनल पुश रॉड है जो कि इसकी फोर्स को अंदर तक ट्रैवल करा रही है इस वाले पिस्टन तक। उसके बाद ये स्प्रिंग बनाई गई है जिससे कि वापस आ सके अपनी पोजीशन पे। उसके बाद ये जो पोर्ट्स है ये हमारे ब्रेक लाइन की तरफ जो हमारा ब्रेक फ्लूड प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूड जाएगा उसके लिए हमारे पोर्ट्स बने हुए हैं। और यहाँ पे ये जो है ये हमारे एक सर्किट डायग्राम है कि हमारे टेंडर मास्टर सिलेंडर कैसे टायर से कनेक्टेड होता है, इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा। तो सबसे आप देखते हैं कैसे काम करता है टेंडर मास्टर सिलेंडर। जो टेंडर मास्टर सिलेंडर है उसकी वर्किंग बिल्कुल मास्टर सिलेंडर जैसी है, इसमें बस एक डिफरेंस है कि इसमें हम अलग अलग पोर्ट्स पे अलग अलग प्रेशर अचीव कर सकते हैं, लेकिन मास्टर सिलेंडर के अंदर हमारे में जो प्रेशर होता है वो दोनों पोर्ट्स पे बिल्कुल सेम होता है। तो इस वजह से इसको हम टेंडर मास्टर सिलेंडर को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें हमें बायसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमें बायसिंग जो हमें उसमें करनी पड़ती थी मास्टर सिलेंडर में एक बायसिंग बार लगा के, इसमें हमें ऐसी कोई बायसिंग की जरूरत नहीं है। ये प्री बायस्ड है, इसमें हमें जो हमें रेशियो चाहिए वो हम पहले से सेट करके ले सकते हैं एक टीएमसी का, जिससे कि हमें प्री बायस्ड एक टीएमसी मिल जाती है और उस हिसाब से हमें बायसिंग नहीं करनी पड़ती है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो यहाँ से जैसे आप एक मैकेनिकल फोर्स लगाते हो तो ये जो मैकेनिकल फोर्स है वो इस पुश रॉड के थ्रू अंदर इस टीएमसी के अंदर ट्रेवल करके जाती है। तो जैसे ये फोर्स अंदर जाके ट्रेवल करती है तो ये जैसी फोर्स इस पिस्टन पे लगती है तो ये जो पिस्टन है इसका एरिया अगर A2 है तो जो प्रेशर क्रिएट होगा इसके अंदर यहाँ पे जो ब्रेक फ्लूइड में प्रेशर क्रिएट होगा वो हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया है A2 और जब ये फोर्स ट्रेवल करके इस पिस्टन पे जाएगी तो यहाँ पे जो एरिया है वो A1 है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा हमारा फोर्स अपॉन में एरिया A1। तो जो प्रेशर हमारा जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो जो P1 है वो हो गया हमारा फोर्स अपॉन में A1 और जो P2 है वो हो गया हमारा फोर्स अपॉन में A2। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रेशर P1 है वो हमारा P2 से ज्यादा हुआ क्योंकि हमारा जो A1 एरिया वो हमारे A2 से कम है। तो इस हिसाब से हमारा जो अलग अलग पोर्ट्स पे हमें अलग अलग प्रेशर मिल गया है। तो इस बेसिस पे कुछ काम करता है, अज्यूम करते हैं कि अगर हमारी गाड़ी को अगर 60-40 का रेशियो चाहिए तो हमें जो टीएमसी है वो भी उस हिसाब से चूज करनी पड़ेगी जिसमें पिस्टन का जो एरिया का रेशियो है वो भी 60-40 हो, जिससे कि हमें प्रेशर जो प्रेशर का जो यहाँ पे डिफरेंस मिले वो भी हमें 60-40 का रेशियो मिल जाए। तो कुछ इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो अब ये जो कनेक्शन है मैं वो दिखाना चाहूंगा। अगर मान लीजिए हमारा टीएमसी फोर पोर्ट टीएमसी है और यहाँ से हमारे दो प्रेशराइज्ड हायर प्रेशर वाला फ्लूड यहाँ से आ रहा है और यहाँ से लोअर प्रेशर वाला फ्लूड आ रहा है, तो हम जो हायर प्रेशर वाला फ्लूड है वो हम फ्रंट व्हील्स में लगा देते हैं क्योंकि ब्रेकिंग के टाइम पर जो भी वेट ट्रांसफर होता है उसकी वजह से फोर्सेस ज्यादा हमारी फ्रंट व्हील्स पे आ जाती है। तो फ्रंट व्हील्स पे आने की वजह से हमारा जो हायर प्रेशराइज्ड फ्लूड है हम उन्हें फ्रंट व्हील्स को दे देते हैं जिससे कि ज्यादा फोर्सेस हमारे क्रिएट हो सके यहाँ पे फ्रंट व्हील्स पे, और लोअर प्रेशराइज्ड फ्लूड वाला हमारा ब्रेक लाइन हम रियर व्हील्स में दे देते हैं क्योंकि उसपे फोर्सेस कम होती है। तो लेकिन अगर आपको ऑल्टरनेट टायर्स भी अगर ब्लॉक कर रहे हैं तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि हायर प्रेशराइज वाला फ्लूड एक इधर दे दिया और एक हायर प्रेशराइज वाला फ्लूड हमने पीछे वाले में दे दिया, तो इससे क्या होता है कि गाड़ी स्टेबलाइज रहती है। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे अगर स्किडिंग हो जाती है अगर फ्रंट व्हील्स की तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से टीएमसी के बारे में काफी है। अगर आपको कुछ भी अभी भी सवाल या सुझाव है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे भेज पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि मैं उनसे भी जाके जुड़ सकूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक साइड में एक बेल का साइन है उसे भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरी अगली वीडियो की। थैंक्स लॉट गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक्स लॉट।